हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर रील्स सारी स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों आपको इस तरह से वाइड बैकग्राउंड वाली वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है कान मास्टर। तो गाइस, आपको कान मास्टर ऐप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके कान मास्टर ऐप को डाउनलोड करना है। गाइस, अगर आपके कान मास्टर ऐप में वाटर मार्क आ रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके कान मास्टर प्रो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको कोई भी वाटर मार्क देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और कान मास्टर प्रो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से गाइस, आपको कान मास्टर ऐप को ओपन करना है। मास्टर ऐप ओपन करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको वीडियो को बनाने के लिए प्रेसर ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से गाइस आपको नारा सुसृष्टि की साइज को सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको इस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम इसमें एक वॉलपेपर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से गाइस आपको भी इसी तरह से किसी भी फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो आपको गाइस वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है पैन एंड जूम वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से गाइस आपको दोनों उंगलियों की मदद से वॉलपेपर को अच्छे से जूम कर लेना है फुल स्क्रीन में। गाइस, आपको यहाँ से इसको डन कर देना है। गाइस, आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको एक शैडो पीएनजी इमेज को इसमें सेलेक्ट करना है। आपको इस पीएनजी इमेज की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस वाइट शैडो पीएनजी इमेज को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपको इसको सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको इस तरह से पीएनजी इमेज को सिलेक्ट करना है। आपको इसको नीचे साइड में इसको खींच कर अच्छे से लगा देना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से वाइट शैडो पीएनजी इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। तो गाइस, आपको इसमें एक शायरी पीएनजी इमेज को सिलेक्ट करना है। आपको इस शायरी की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस शायरी को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से गाइस आपको शायरी को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको इसको खींच कर अच्छे से वॉलपेपर में सेट करना है। आपको अपने हिसाब से इसको अच्छे सेट करना है। इस तरह से हम शायरी को यहाँ पर सेट कर देंगे। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस, आपको फिर से लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें एक पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। आपको इस इफेक्ट वीडियो की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस इफेक्ट वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, आपको इस तरह से पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको कैची के ऑप्शन के बगल में एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी इफेक्ट वीडियो फुल स्क्रीन में लग जाएगी। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है स्पीड स्क्रीन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस, आपको फिर से लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक साउंड वाली वीडियो को इसमें सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद गाइस आपको इस वीडियो के साउंड को निकाल लेना है। साउंड को निकालने के लिए आपको यहाँ से नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एस्ट्रैक ऑडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस इस वीडियो का ऑडियो निकल कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो का ऑडियो निकल कर आ चुका है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है लेफ्ट साइड में, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं गाइस हमारी वीडियो में साउंड लग चुका है। अब गाइस आपको लास्ट बार लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। आपको इस बॉर्डर लाइन की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके बॉर्डर लाइन को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से गाइस आपको बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन फुल स्क्रीन में लग जाएगी। आपको यहाँ से इसको डन कर देना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। तो गाइस, आपको साउंड की लेयर के बराबर सभी लेयर को कर देना है।
गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंस्टाग्राम रील्स के लिए सारी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।